अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए धन जुटाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब ट्रंप मैक्सिको से आयात किए जाने वाले सामान पर 20% का टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैक्स में ऐसे सामानों को शामिल किया जा सकता है जिसका आयात अमेरिका से किए जाने वाले निर्यात की तुलना में ज्यादा होगा। इसका मकसद सिर्फ अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर बनाई जाने वाली दीवार के लिए धन जुटाना है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव सिर्फ मैक्सिको के लिए है। स्पाइसर की माने तो अगर अमेरिका 50 अरब डॉलर के आयात पर 20% की दर से कर लगाता है तो ये एक ऐसा काम है जिसे 160 अन्य देश इस वक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पाइसर ने निर्यात पर कर लगाओ और आयातित वस्तुओं को मुक्त रूप से आने दो की नीति पर जोर दिया, क्योंकि आयात पर कर लगाने की नीति से अमेरिका एक साल में 10 अरब डॉलर कमा सकता है, साथ ही दीवार के निर्माण के खर्च का भुगतान भी कर सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियटो ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की और दीवार के निर्माण के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया था। इतना ही नहीं, मैक्सिको दीवार पर ट्रंप की टिप्पणी से खफा पेना नियटो ने 31 मार्च को होने वाली अपनी अमेरिका यात्रा को रद्द कर दिया है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच रिश्तों के तार बहुत पुराने हैं, लेकिन दोनों देशों की सीमा पर दीवार निर्माण के प्रस्ताव से इन रिश्तों में दरार आती नजर आ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।